हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। सो चलिए गाइस, अब हम लोग एमाइंस में आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं। इसके पहले तक हम लोग प्रिपरेशन मेथड खत्म कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म कर चुके हैं। आई होप गाइस आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होगी। अब केमिकल रिएक्शंस को शुरू करते हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग नेचर पढ़ने वाले हैं एमाइंस का, क्योंकि जब आप एमाइंस का नेचर जानोगे वो कैसा होता है तो आप समझ पाओगे किस तरह की केमिकल रिएक्शन ये शो करता है। So, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से ये जो बेसिक नॉलेज है उसको लेने के बाद आप बहुत अच्छे से केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर पाओगे एमाइंस के। सो देखिए, एमाइंस का फॉर्मूला क्या है। देखिए, एमाइंस के केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले एमाइंस का फॉर्मूला अगर 1 डिग्री की बात करें तो यहां पर वो होता है RnH2, सही है। ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री एमाइन। अगर 2 डिग्री की बात करें तो यहां पर होगा RnH एंड देन R, ये 2 डिग्री हो गया, सही है। 3 डिग्री की बात करें तो सारे हाइड्रोजन लैप्स हो गए और फाइनली सभी जगह आपने एल्काइल चेन्स लगा दी। नाउ दिस इज 3 डिग्री। अब पता है तीनों में क्या खास बात है, सबसे पहले गौर करते हैं। देखिए, तीनों में खास बात ये कि यहां पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां पर 1 एसिडिक हाइड्रोजन और यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। ये भी सबसे बड़ा फर्क है इन तीनों में कि ये तीनों केमिकल, तीनों जो कंपाउंड्स हैं आपके पास, वो अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन कई बार शो करने लगते हैं। और बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि कई केमिकल रिएक्शन 1 डिग्री दिखा रहा है, 2 डिग्री थोड़ा कम दिखा रहा है, 3 डिग्री दिखाई नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता है कई बार 3 डिग्री दिखा रहा है, 2 डिग्री थोड़ा कम दिखा रहा है, लेकिन 1 डिग्री नहीं दिखा रहा। ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको। सो ये क्यों होता है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन 2-2 है, इसके पास 1 है, इसके पास है ही नहीं। तो ये एक बहुत ही मेन डिफरेंस है सभी के अंदर, जिसकी वजह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में अलग अलग केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती दिखाई देंगी सेम रिएजेंट के बावजूद भी। समझ में आ रहा है, मतलब सेम रिएजेंट है लेकिन 1 डिग्री अलग तरह से परफॉर्म कर रहा है, 2 डिग्री अलग तरह से परफॉर्म कर रहा है, 3 डिग्री अलग तरह से परफॉर्म कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, हाइड्रोजन। क्लियर हो गया पहली चीज तो। दूसरा, यहां पर ये जितने भी नाइट्रोजन्स हैं, जितने भी यहां पर, ठीक है, कभी कभार एक कॉमन केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, उसका रीजन क्या होगा कि ये जितने भी नाइट्रोजन आपके पास दिखाई दे रहे हैं उनके पास लोन पेयर है। समझ में आता है, सबके पास है। तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। सो यहां पर लोन पेयर और यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है और उसी वजह से केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं। सो कोई अगर पूछे कि एमाइंस की रिएक्टिविटी का यहां पर कोज क्या है, एमाइंस की रिएक्टिविटी का कोज, रिएक्टिविटी क्यों होती है, ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, एंड लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर एट नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट नाइट्रोजन। ये रीजन है जिसकी वजह से एमाइंस रिएक्टिविटी शो करते हैं, केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं। 2 वजह हैं, गौर करिएगा, और उसी के बिहाफ में आपको केमिकल रिएक्शन समझनी है। एक तो लोन पेयर, दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहां पर नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, खैर 3 डिग्री में तो है ही नहीं हाइड्रोजन, लेकिन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री इसके अंदर नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। और सबसे खास बात, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और ये बॉन्ड पोलर होता है, मतलब यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। सो दिस इज वन ऑफ द कोज जिसकी वजह से यहां पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सो यहां पर समझिए कोज क्या है। एक तो एसिडिक हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से भी दिखाई देता है, उसके अलावा लोन पेयर। क्लियर होता है। अब सबसे खास बात, अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो ये 2 तरीके से बिहेव कर सकता है, एज अ बेस। लोन पेयर की वजह से, ठीक है, लोन पेयर की वजह से ये एज अ बेस भी काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, या फिर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। तो हमें यहां पर सबसे पहले इसकी बेसिक नेचर को पढ़ना है। समझ में आता है, इसके बेसिक करेक्टर को पढ़ना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एमाइन से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो बेसिक ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान से इसको चेक करिएगा। यहां पर एक बेसिक चीज मैंने आपको क्लियर की कि यहां पर अगर एमाइंस रिएक्टिविटी शो करते हैं तो क्यों, और उसकी वजह से यहां पर जो लोन पेयर है उसकी वजह से यह सब होता है, उसकी वजह से यहां पर यह कैसे बिहेव करता है, या तो एज अ बेस या एज अ न्यूक्लियोफाइड। क्लियर होता है। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और मैं सबके लॉजिक्स आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, बेसिक करेक्टर को चेक करना है।
ठीक है. सो विल चेक बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस. मैं लिखता हूं, देखिए बेसिक, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन, बेसिक करेक्टर ऑफ एमाइन, इसको चेक करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक करेक्टर एक क्यों शो करता है? ड्यू टू लोन पेयर. लोन पेयर की वजह से बेसिक करेक्टर शो करता है. और अगर ये बेसिक है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, एक बेस एसिड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सबको पता है, एक सॉल्ट बनाता है, जानते हो ना. तो ये काम ये भी करता है. तो जरा चेक करिए, सपोज करिए कि हमने एल्काइल अमाइन लिया RNH2, इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, और अगर आपने किसी मिनरल एसिड से रिएक्शन करवा दी, मिनरल एसिड मतलब HI, HBr, HCl, HF, इनके साथ रिएक्शन करा दी, तो मैंने सीधे लिख दिया HX, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, ये सोल्ट को यहां पर फॉर्म करेगा. एक्चुअल में ये दोनों लोन पेयर किधर जाएंगे, हाइड्रोजन को अपने साथ लेंगे, क्लियर होता है, जिससे H प्लस की फॉर्म में इसके साथ जुड़ जाएगा. तो यहां पर क्या बनाएगा, सबसे पहले तो RNH3+ RNH2 था, इस हाइड्रोजन को डोनेट किए, इसको अपने साथ ले लिया RNH3+, और ये X माइनस की फॉर्म में यहां जो बाहर निकला है वो उसके साथ ही रहेगा, और फाइनली इस तरह से एक सोल्ट बन जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ दैट इज अ सोल्ट, ठीक है, दैट इज अ सोल्ट. ध्यान से इसको देखिए, इस तरह के सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, क्लियर होता है सब लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, प्लस और माइनस में इलेक्ट्रो, यहां पर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से कंप्लीटली एक सोल्ट की फॉर्मेशन हुई है, क्लियर हो गया. अमोनियम सोल्ट्स भी, वी कैन से अमोनियम सोल्ट्स कह सकते हैं इसको. अब देखिए ये काम सिर्फ एल्काइल में नहीं, एराइल में भी होता है. सो फाइनली अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पर एक बेंजीन रिंग है, आपने एनिलीन ली है, बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया NH2, तो इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है, क्लियर होते हैं. सो यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें हर एक नाइट्रोजन के कंपाउंड को देखना है, और अगर आपने इसकी रिएक्शन किसी मिनरल एसिड से करवा दी तो सबसे पहले तो ये इसको डोनेट करेगा, ये लोन पेयर लेगा यहां से, और ये जाके प्लस के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिकली जुड़ जाएगा. सो फाइनली यहां पर एनिलीनियम सोल्ट बनेगा, चेक करेगा NH3+ और यहां पर X-, दिस इज एनिलीनियम सोल्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, गौर से देखो, ये इसकी बेसिक करेक्टर को शो करता है. These reactions are showing the basic character. ये basic character को दिखा रही हैं. बहुत important है, check करिए. Clear हो गया? ये इनकी basic character को दिखा रही हैं. यहाँ पर ये आसानी से किसी भी mineral के H plus को अपने साथ ले रहा है. Clear होता है? देखिए acid कौन जो H plus दे, base कौन जो H plus को accept करे, अपने साथ जोड़ ले. तो इसने आसानी से इस H प्लस को अपने साथ जोड़ लिया, सोल्ट की फॉर्मेशन कर ली. इससे से साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर जो amines होती हैं वो बेसिक करेक्टर की होती है. सबसे खास बात, पार्टिसिपेट कौन कर रहा है यहाँ पे, इसका लोन पेयर. अब ये लोन पेयर तो 1 डिग्री के पास भी है, 2 डिग्री के पास भी है, 3 डिग्री के पास भी है. इसका मतलब ये जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है वो 1 डिग्री में भी होगी, 2 डिग्री में भी होगी और 3 डिग्री में भी होगी. मतलब तीनों का बेसिक करेक्टर है, क्लियर होता है. लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग होती है. अब वो अपने को चेक करना है. अब आते हैं हम खास बात पे. बेसिक स्ट्रेंथ से पहले एक छोटी सी चीज और. ये सोल्ट, जो सोल्ट आपके सामने लिखा है, कोई भी ले लो. मान लीजिए कि आपने ये वाला सोल्ट लिया, ऊपर वाला RNH3+ एंड देन Cl-. अगर आपने इसका रिएक्शन, ठीक है, NaOH से करवा दिया तो आपको वापस आपका amine मिल जाएगा. सिंपल, देखिए Na का अट्रैक्शन होता है Cl से, तो यहां पर सबसे पहले तो NaCl बाहर निकलेगा. क्लियर हो गया? तो OH- क्योंकि बेस से रिएक्शन करवा रहे हो, ये OH- इस H+ को अपने साथ खींचेगा, तो यहां से H2O बाहर निकलेगा. क्लियर होता है सब लोगों को? अब जब आपने यहां से H+ को खिंचवा लिया, यहां से Na+ Cl- को ले उड़ा, पीछे क्या बचा, आपकी amine आपको वापस मिल गई, RNH2 1 डिग्री amine आपको वापस मिल गई बच्चों. ये देखो, क्लियर होता है आपको, आपका 1 डिग्री amine वापस मिल गया. तो यहां पर एक कंप्लीट आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर जो amines होती हैं वो बेसिक नेचर शो करती हैं, इनकी रिएक्टिविटी लोन पेयर की वजह से है, और ये मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट कर लेती है क्योंकि इनका बेसिक नेचर होता है, इनके पास लोन पेयर होता है, और मिनरल के साथ, मिनरल एसिडिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करने के बाद सोल्ट बनाती है.
और अगर वही सोल्ट वापस से आप NaOH में डाल दोगे, NaOH से उसकी रिएक्शन करा दोगे, यहां पर Na पे प्लस है और OH पे माइनस, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, अपनी एमाइन को वापस से गेन कर सकते हो। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये बेसिक नेचर शो करते हैं, चाहे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, चाहे एराइल अमाइन, ये क्यों शो करते हैं, लोन पेयर की वजह से। और मैंने आपसे ये भी कहा कि शो तो करते हैं लोन पेयर की वजह से, लेकिन कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अलग अलग होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अलग अलग होता है। अब हमें वही चेक करना है कि ये बेसिक है, वी आर एग्री अबाउट दिस कि ये बेसिक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और amines, aryl amine बेसिक हैं, लेकिन सभी की बेसिक स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है। अब किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन ज्यादा बेसिक है, इस चीज को समझिए, उसके ऑर्डर को हमें समझना है। अब जो आने वाला है उसको बहुत ध्यान से इसको चेक करना है, ठीक है? टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से एमाइंस बेसिक होते हैं, लेकिन उनकी बेसिक ऑर्डर सभी एमाइंस के केस में सेम नहीं होती। मे भी हो सकता है 1 डिग्री की ज्यादा हो, 2 डिग्री की ज्यादा हो, 3 डिग्री की ज्यादा हो, हमें देखना है कि किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम, ये हमें समझना है। सबसे पहले तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको देखना है, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आ रहे हैं उनके पीछे की थ्योरीज को फाइंड आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करिएगा। सबसे पहले अगर आपको जानना है किसी कंपाउंड की बेसिक नेचर के बारे में कि वो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कितनी है, तो एक्सपेरिमेंटली कैसे चेक करते हैं, तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, उस एमाइन को, जो भी एमाइन है, जैसे हम मान लेते हैं 1 डिग्री एमाइन है RNH2, हमने उसको डाल दिया पानी में, ऑब्वियसली वाटर भी क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो इस केस में अगर ये बेसिक नेचर शो कर रहा है तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा, तो इस केस में क्या होगा, रिवर्सिबली हमको मालूम है, इस केस में H+ इसको डोनेट करेगा और ये OH- में, तो फाइनली ये जो रिएक्शन आपको ये भी शो कर रही है कि ये बेसिक नेचर रखता है, कैसे, क्योंकि ये पानी में डालते ही आपको OH- आयन देगा। देखो जरा ध्यान से, इसने H+ इसको डोनेट कर दिया, फाइनली OH- आपके सामने लिखा है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, RNH3, क्लियर होता है? तो इस केस में ये जो एमाइन आपको दिखाई दे रही है वो लुईस बेस की तरह भी काम करती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लुईस बेस, ठीक है? लुईस बेस कौन होता था, इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड लुईस बेस, क्लियर होता है सब लोगों को, ये पता होना चाहिए। अब आप थोड़ा पीछे चले जाओ केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, अगर मैं कहूं क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो क्योंकि ये बेस है तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिखा जाएगा, केबी, क्लियर होता है, केबी लिखा जाएगा। अब कैसे लिखोगे, तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको यहां पे जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेनी होती है, सो दिस इज RNH3+, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, साथ में किसकी लेनी होती है, OH-। अब खास बात देखो, ये बेस है, यहां से आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में जाते ही, पानी में जाते ही ये OH- आयन दे रहा है, और यही पहचान होती है किसी बेस की कि सॉल्यूशन या वाटर में जाती वो क्या देगा, OH- आयन देगा, क्लियर है? सो यहां पर इस तरह से केबी की वैल्यू को लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, रिएक्टेंट की तरफ से वाटर को लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो यहां से आप किसकी कॉन्सेंट्रेशन को लिखोगे, RNH2 को, क्लियर होता है, इसी की कॉन्सेंट्रेशन को। आपकी बुक में H2O को भी लिया होगा, बाद में मर्ज कर दिया होगा, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वाटर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो यूज करी गई है वो उसमें कुछ ज्यादा फर्क आता नहीं है, तो उसको हम लोग कॉन्स्टेंट की तरह काउंट करते हैं। तो फाइनली यहां पर KB लिखा गया। अब देखिए यहां से हम लोग PKB की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ना, वॉट इज PKB, दैट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ KB। किसी भी एमाइन के लिए आप जब KB निकाल लेते हो तो उसके बाद आप PKB की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। अब यहां से जरा देखिए इसको कैलकुलेट PKB के वे में क्यों किया जाता है, क्योंकि PKB इसको रीजनेबल वैल्यू बना देती है, अदरवाइज ये 10 रेज टू पावर में माइनस और प्लस में काफी बढ़िया और काफी छोटी वैल्यूज आती हैं, उसको रीजनेबल बनाने के लिए हम इसको PKB लोग हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि रीजनेबल नंबर्स आए, क्लियर होता है सब लोगों को। सो फाइनली यहां पर PKB निकाला जाता है। अब जरा गौर से देखना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, और ये चीज आप पहले जान चुके हो। अब देखिए जरा ध्यान से, सीन कुछ ऐसा है कि आपको मालूम पड़ रहा है यहां से साफ साफ कि ये बेस है, क्योंकि ये पानी के साथ घुलते ही OH- आयन दे रहा है, सबको क्लियर है। अब यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिएगा, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा,
इसका मतलब वो बेसिक है। अगर OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा इसका मतलब KB की वैल्यू बढ़ेगी, सही है, और अगर KB की वैल्यू बढ़ी तो PKB की वैल्यू घटेगी। सो यहां पर जरा ध्यान से देखो, PKB की वैल्यू घटेगी, इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक नेचर बढ़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेक करो, ठीक है, यहां से ये रिलेशन को चेक करो, ये सबको पता है वैसे, लेकिन एक खास चीज है इसके अंदर कि यहां पर देखिए ये जो PKB का सीन है ना उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि हमें ज्यादातर PKB की वैल्यू दी होती है, KB की वैल्यू नहीं दी होती है। चेक करो, अगर OH- बढ़ा, हमको पता है किसी सॉल्यूशन में अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है इसका मतलब उसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है। अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो KB की वैल्यू बढ़ेगी और PKB की वैल्यू घटेगी, इस चीज को चेक कर लो। इसका मतलब ये साफ है कि अगर किसी के लिए PKB की वैल्यू कम है इसका मतलब उसका बेसिक नेचर ज्यादा है। ये एक्सपेरिमेंटली निकालने का तरीका होता है। दोबारा समझाऊं, आ गया समझ में? आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर ये चीज तो हमें पहले से क्लियर है, क्लियर होता है। सो फाइनली आप किसी भी बेसिक कंपाउंड को, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए केबी कैलकुलेट करते हो, उससे पीकेबी की वैल्यू निकालते हो। यहां से साफ तौर पे समझ में आता है कि पीकेबी की वैल्यू कम मतलब बेसिक नेचर ज्यादा, और पीकेबी की वैल्यू ज्यादा मतलब बेसिक नेचर कम। अब यहां से एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर करके सबका बेसिक स्ट्रेंथ निकाला गया, क्लियर होता है। और बेसिक स्ट्रेंथ निकालने से फाइनली कुछ कंक्लूजन आए, उसको हमें गौर से देखना है, क्लियर होता है कि कौन ज्यादा बेसिक है। फिर उसको एक्सपेरिमेंट से तो मालूम पड़ गया, लेकिन उसको थ्योरेटिकली भी तो समझने की जरूरत है। अब यहां पर सबसे पहला कंपैरिजन किया गया अमोनिया एंड, अमोनिया लिखता हूं, अमोनिया एंड एल्काइल अमाइन, इनमें सबसे पहला कंपैरिजन हुआ कि इन दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन। अमोनिया क्या होता है जी, दैट इज NH3, अच्छा, वर्सेस एल्काइल अमाइन क्या होता है जी, RNH2। सवाल पूछा गया कि अमोनिया और एल्काइल अमाइन, एल्काइल अमाइन में मैंने चूज किया 1 डिग्री को, आप 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पूछा गया कि इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन, तो एक्सपेरिमेंटली पीकेबी की वैल्यू अमोनिया के केस में आई है 4.75 अराउंड, 4.75, ठीक है। आप बुक में चेक करना, आपको डेटा याद नहीं करना, मैं पहले ही कह रहा हूं, ये डेटा का मगअप नहीं करना है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए। अब जो एक्सपेरिमेंट से आ रहा है उसको हम लोग थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे, वो फोकस करना है आपको, गौर से समझना जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, रट्टा नहीं मारना है यहां पर, मेड इजी केमिस्ट्री में रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि अमोनिया के लिए पीकेबी का वैल्यू आ रहा है 4.75, लेकिन जब आप एमाइन की बात करते हो तो कितनी भी एमाइन ले लो, चाहे आप 1 डिग्री चाहे 2 डिग्री चाहे 3 डिग्री, इन एमाइंस के लिए पीकेबी का वैल्यू वेरी करता है 3.75 से लेके 4.22 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वे में वेरी करता है। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको रट्टा मत मारना, समझो कि यहां पर पीकेबी की वैल्यू अमोनिया के लिए ज्यादा है, और एल्काइल अमाइन आप कोई भी ले लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सबके लिए पीकेबी की वैल्यू कम है, और अगर पीकेबी की वैल्यू कम है तो बेसिक नेचर ज्यादा हुआ। और अगर आपको कोई पूछे कि भैया अमोनिया और एल्काइल अमाइन चाहे किसी भी लेवल का हो, तो यहां पर हमेशा याद रखो जो अमोनिया है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, अमोनिया हमेशा कम बेसिक नेचर रखती है एज कंपेयर टू एल्काइल अमाइन। अब एल्काइल अमाइन कोई भी हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को पहले तो ध्यान रखो। ऐसा क्यों होता है मैं उसको क्लियर करता हूं। अगर कोई बेसिक ऑर्डर पूछे, यह है बेसिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर। अब ऐसा क्यों होता है थ्योरेटिकली उसको समझाता हूं, चेक करो, पहले एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट होके जो चीज निकल के आ रही है उसको थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं, पहले थ्योरी नहीं बनाई जाती है, इस चीज को समझो। जिसके हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसके एक्सपेरिमेंट करके थ्योरी बनाते हैं, लेकिन जिसके हम एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते उसके लिए थ्योरी सोची जाती है, अजम्पशंस लिए जाते हैं, और बेस्ट थ्योरी को हम लोग चूज करते हैं। तो दो तरीके होते हैं साइंस में काम करने के, लेकिन इनमें तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। तो बेसिक नेचर ज्यादा किसका होता है, एल्काइल अमाइन का, अमोनिया से ज्यादा होता है। अब एल्काइल अमाइन कोई भी हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी हो, मैं लिख देता हूं यहां पे, मैंने लिखा भी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी हो, अमोनिया से तो ज्यादा बेसिक नेचर होगा। अब अगर एक्सपेरिमेंट ये बात बोल रहा है कि अमोनिया का बेसिक नेचर एल्काइल अमाइन से कम है, तो क्यों थ्योरेटिकली कैसे समझोगे उसको, वो है समझने की बात। लेकिन पहली बात तो दिमाग में डाल लेना ये कि अमोनिया हमेशा एल्काइल अमाइन से कम बेसिक होता है, ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको रीजन बताता हूं, देखो सबसे पहले तो समझो कि बेस का मतलब क्या है। बेस का मतलब है जो आसानी से लोन पेयर डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अब देखिए यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर होता है, और अमोनिया के चारों तरफ कौन लग रहा है, तीनों तरफ कौन लग रहा है जी, हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर है, ठीक है।
और दूसरी तरफ आपने एल्काइलोमाइन लिया जिसमें आप ले लो चलो वन डिग्री, वन डिग्री लिया, ये रहा लोन पेयर, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर आर। अब फोकस करना यहां पर, फर्क देखो, फर्क यहीं पर ही है कि इसके साथ हाइड्रोजन लग रहा है और उसके साथ एक ऐसा चैन लग रहा है। और आपको सबको पता होना चाहिए एल्काइल जो चैन होती है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाती है। कौन सा इफेक्ट दिखाती है? प्लस आई। प्लस आई का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं? पुल, पुश नहीं करती, पुल करती हैं। मतलब नाइट्रोजन की तरफ फेंक रही होंगी इलेक्ट्रॉन्स को। प्लस आई इफेक्ट इसको बोलते हैं। यहां पर है क्या कोई प्लस आई वाला? नहीं है, वहां पर तो है। अब मजे की बात, अब खुद से सोचो, इन दोनों में जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा उसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी। जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं उस पर फोकस करो। इन दोनों में जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी। अब देखिए क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को फेंक रहा है जिससे इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन फोर्स लग रहा है और वो और दूर भागेंगे। पहले जाओ इस चीज को समझो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत आसान है। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन और फेंक रहा है जिससे इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी आसान हो जाएगी। समझ में आया सबको? विच इज वेरी सिंपल भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, इन इलेक्ट्रॉन और आने वाले इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उनमें रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दूर भागेंगे, आसानी से इनकी अवेलेबिलिटी होगी। सिंपल आया समझ में? या फिर इसको इस तरह से समझिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेस में है तो वो बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता है कोई भी आके उन इलेक्ट्रॉन्स को। अब जिसको ये समझ में आ गई कि अमोनिया और एल्काइल अमाइन में अमोनिया लेस बेसिक क्यों है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आता है सबको समझ में? सो यहां पर फोकस करिए कि अमोनिया इज लेस बेसिक देन एनी काइंड ऑफ एल्काइल अमाइन। अब आप खुद से सोचो, जब वन डिग्री उसमें सिर्फ एक आर है तो टू डिग्री में तो दो आर होंगे, वहां पर तो दो प्लस आई है। थ्री डिग्री में तो तीन आर होंगे, वहां पर तीन प्लस आई हैं, तो ऑब्वियसली थ्री डिग्री, टू डिग्री, वन डिग्री सबके सब अमोनिया से ज्यादा बेसिक है। सबको समझ में आता है ये बात? है दोबारा समझाऊं? आ गया तो फोकस अभी इसी पे करिएगा। दोबारा कह देता हूं कि यहां पर कोई भी प्लस आई वाला नहीं है जबकि यहां पर एक प्लस आई वाला है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ फेंक रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है जिससे इसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है। अब खुद से सोचो, अगर कोई चीज आपके पास एक्सेस में है तो वो डोनेट करनी आसान होगी। इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो इसको डोनेट करना आसान होगा। सिंपल। तो यहां पे सबसे आसानी से कौन डोनेट कर सकता है? ये। क्यों? प्लस आई ग्रुप है इसके पास, तो यहां पर ये रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। नाउ दिस इज बेसिक ऑर्डर। अब हमने ये तो समझ लिया अमोनिया और एल्काइल अमाइन में कोई भी तरह का हो कंपैरिजन में एल्काइल अमाइन जीत जाएगा। लेकिन अगर कंपैरिजन एल्काइल अमाइन में ही हो गया तो बस यहां पर ये क्लाइमेक्स है, यहीं पर मैं छोड़ के जा रहा हूं। टिल देन गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ले लीजिए। सो फाइनली गाइज, आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो समझ में आ गई होंगी। फाइनली बेसिक नेचर में हम लोग एक बार तो कंपैरिजन कर चुके हैं, अब हम दूसरा बार कंपैरिजन किसका करेंगे? एल्काइल अमाइन्स का आपस में। अभी हमने किसका किया? अमोनिया और एल्काइल अमाइन्स का। इसमें तो कौन जीता? एल्काइल अमाइन्स। लेकिन जब टक्कर एल्काइल अमाइन्स की ही साथ में हो जाए तो कौन जीतेगा, उसको समझना है। और वो आसान नहीं है, और एक्चुअल में उसी पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करो अच्छे से, और वहाँ पर जो चीज़ें समझाई जाएंगी उसको नोट डाउन करना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो बहुत ध्यान से देखिए गाइज, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। बस आप इस चैनल पर बने रहें, और आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब और आपका दिल से जुड़े रहना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जुड़े रहिए, मैं इसी तरह से मेहनत करते रहूँगा, ठीक है? सो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।